हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ओजीवा ने रिसेंटली स्किन केयर प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं जिसमें बहुत सारे सीरम्स हैं, फेस वॉशेस, क्रीम्स वगैरह, फेस पैक्स वगैरह हैं। तो आज के वीडियो में मैं सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ और जो सीरम है वो है ओजीवा का इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग सीरम, जो क्लेम करता है कि आपकी स्किन को 3 times फास्टर रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करेगा। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि अगर आप 8 weeks तक इस सीरम को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी हो जाएगी और रेडियंट ग्लो आपको मिल जाएगा। इसमें बड़े अच्छे अच्छे इन्ग्रीडियंट यूज़ किए गए हैं। तो कौन कौन से इन्ग्रीडियंट यूज़ किए गए हैं और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आगे वीडियो में करते हैं। सीरम है, ये डाई फ्री है, सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबेन फ्री है, क्लिनिकली टेस्टेड है, वीगन है, ग्लूटेन फ्री है, कोई भी मिनरल ऑयल यूज़ नहीं किया गया है, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं की गई है, क्रुअल्टी फ्री है, साथ ही साथ नॉन कॉमेडोजेनिक है। तो ये सारी खूबियाँ हैं इस सीरम में। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसके जो की इंग्रेडिएंट हैं वो सेफ्रन ऑयल है, टर्मरिक ऑयल है, फाइटो विटामिन सी आमला ऑयल, ऑर्गेनिक लोटस फ्लावर ऑयल इसमें यूज़ किया गया है, स्वीट आमंड ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल इसमें यूज़ किया गया है। ये जो पावरफुल सीरम है आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, पिगमेंटेशन को, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा। ये जो सीरम है इसमें मार्शमेलो रूट, राइस ब्रैन, लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जो कि मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। इसमें आंवला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें टर्मरिक ऑयल यूज़ की गई है जो कि स्किन को ब्राइटन और लाइटन करने में हेल्प करती है, स्किन टोन को इवन करती है। इसमें सैफ्रन ऑयल यूज़ किया गया है जो कि पिगमेंटेशन को, टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है। तो बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। आप अपना फेस वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद आप टोनर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 3-4 drops इस सीरम की ले लीजिए, अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिए जब तक कि एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और काफ़ी लाइट वेटेड भी है। तो ये फेस सीरम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलके बना हुआ है और अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, टैनिंग और जो भी इश्यूज़ हैं आपकी स्किन पे वो ठीक हो जाएं तो इस फेस सीरम को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखो। इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स, तो बिल्कुल एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आज के वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।